हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं, बड़ी उम्र में आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकेंड या थर्ड, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जब आपकी एज थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप जब चाहते हो कंसीव नहीं हो पाता, लेकिन बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो एक ही बार में कोशिश करते हैं और उनको उसी मंथ में कंसीव हो जाता है। लेकिन जो आज का ट्रेंड है, आज की जो लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल है, उसमें हम अपनी फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं और अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर कपल्स की एज 30+ हो जाती है और उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ प्लानिंग ही स्टार्ट ना करें कि हमने जो है विदाउट प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से कंसीव करने के लिए हमने रिलेशन बनाना है, हमने इंटीमेट होना है और हमें कंसीव हो जाएगा। आपकी स्किन कितनी ही नाजुक क्यों ना हो, आप चाहे 25 के दिखते हो चाहे 20 के, लेकिन अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आप समझ के चलिए कि जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी एजिंग हो रही है और जो आपका हार्मोनल लेवल है वो भी धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है। तो आज हम इसमें सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और आपने ध्यान देना है इससे पहले कि आप अपना मन बनाए कि हमने अब प्लान करना है, पहले इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने आप को फिट करिए और फिर देखिए कैसे प्रेगनेंसी को आप एंजॉय करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखना है सीमन एनालिसिस। हम सीमन एनालिसिस से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस में सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंसीव नहीं होता और उसका एक रीजन यही होता है कि हस्बैंड का सीमन काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है या पीएच 7 से कम है और एसिडिक मीडियम होने के कारण भी स्पर्म्स की लाइफ काफी कम हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आप सीमन एनालिसिस करें और उसमें आप किन बातों का ध्यान रखें कि टोटल काउंट 50 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, मोटिलिटी 50% से ज्यादा होनी चाहिए और पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 या इक्वल टू 7 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कोई मेडिकेशन या कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है या आप मल्टीविटामिन्स स्टार्ट कर सकते हैं, एल्कलाइन डाइट स्टार्ट कर सकते हैं और एल्कलाइन डाइट का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सुपर फूड्स के नाम से, एल्कलाइन डाइट के नाम से आप उसको देख सकते हैं। सीमन एनालिसिस के बाद हम फोकस करते हैं ओवुलेशन डे के ऊपर। ओवुलेशन डे में ध्यान दीजिए, बहुत सारी लेडीज को ये पता ही नहीं होता, साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होने के कारण, कि ओवुलेशन डे क्या होता है और उसको कैसे ट्रैक करते हैं। आप ओवुलेशन डे से 3 दिन पहले रिलेशन बना रहे हैं या ओवुलेशन डे के बाद रिलेशन बना रहे हैं तो आप चाहे 10 साल तक अटेम्प्ट लेते रहें, आप कंसीव नहीं कर सकते। तो ओवुलेशन डे क्या होता है, ओवुलेशन डे को कैसे ट्रैक करते हैं, इसके लिए कैलेंडर मेथड भी है, इसके लिए डिस्चार्ज मेथड भी है, इसके लिए टेम्परेचर मेथड भी है, इसके लिए ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स भी है और इसके लिए अल्ट्रासाउंड मेथड भी है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपकी एज 30 से कम है तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर कैलेंडर मेथड बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो ना तो डिस्चार्ज मेथड से आप पता लगा पाएंगे, ना कैलेंडर मेथड से पता लगा पाएंगे। उस केस में आपको टेम्परेचर मेथड, जिसका हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिए, क्योंकि इसमें आपको घर पर रहकर ही अपना टेम्परेचर नोट करना होता है लोअर बेसल बॉडी पार्ट्स का, यानी कि वेजाइना का, और फिर उसकी हेल्प से आप घर पर ही टेम्परेचर को नोट करके ओवुलेशन को निकाल सकते हैं।
ओवुलेशन डे सबका, जरूरी नहीं है कि वो 18 आवर्स का या 20 आवर्स का हो, जैसे जैसे आपकी एज कम होती है वैसे वैसे आप देखते हैं ओवुलेशन का जो टाइम है वो भी, यानी कि जो आपके अंडे की लाइफ है वो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे ही रह जाती है। तो आपने ध्यान देना है कि आप उसी टाइम पे रिलेशन बनाए जिस टाइम पे आपका ओवुलेशन हुआ है। इसके लिए कई बार, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और डॉक्टर्स के ऊपर भी वर्कलोड ज्यादा है, वो आपको कई बार सिर्फ ओवुलेशन का साइज 18 मिलीमीटर देखते ही कह देते हैं ठीक है अब आप घर जाओ और रिलेशन स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करना, आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि क्या ओवुलेशन 18 के बाद रप्चर हो गया, तब आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो ओवुलेशन डे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने अपनी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल रखे हैं, आप उसको देखिए। तो अपने ओवुलेशन को चेक करिए, स्पर्म काउंट को अच्छा रखिए, फिर आप रिलेशन बनाइए। जब आपने ये देख लिया कि ओवुलेशन डे आपका सही है और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या आपको पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है, यानी कि आपको ओवुलेशन तो होता है लेकिन वो रप्चर नहीं होता, वो सिस्ट बन जाता है। और इस तरह की कई सिस्ट आपके अंदर ऑलरेडी है, वो रप्चर नहीं हो रही है। तो दोनों की दोनों फेलोपियन ट्यूब अगर आपकी यहाँ सिस्ट से भरी हुई है, तो आपका जो एग यहाँ पे बना है, इधर बना है, स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में ये जो सिस्ट है ये उसको रोकती है। या आपकी फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, वो वहां से बंद है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पाते, तो आप चेक करिए। और इसका एक सबसे अच्छा ये भी है कि आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का वेट अगर ज्यादा है तो बहुत चांसेस है, क्योंकि आज के तारीख में इंडिया में बात करें तो हर तीसरी लड़की को पीसीओडी है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि मुझे पीसीओडी है। और जिसका मेन रीजन है हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस होना, आपकी डाइट स्टाइल में आप जंक फूड के ऊपर फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम या बिकॉज ऑफ टेस्ट, तो दोनों ही कारणों से आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप उसको भी करेक्ट करिए। फिर आप देखिए, अगर आपका वेट ज्यादा है और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो अपने वेट को कम से कम 15-25% तक रिड्यूस करें। जो भी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है उसको आप एक्सरसाइज करके, योगा से या डाइट स्टाइल से, आप कार्बोहाइड्रेट कम करिए, प्रोटीन कम करिए, मिनरल रिच डाइट लीजिए, तो उससे आपका वेट कम होगा। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने भूखे रहना है, डाइटिंग का मतलब है कि आपने डाइट का पैटर्न चेंज करना है। इसके बाद अगर आप वेट को कम कर लेते हैं, साथ में आप अपनी बॉडी की पीएच को देखिए। अगर आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक है तो भी आपको, यानी कि पीएच लेस देन 7 है तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखना है, जिसके लिए आपने एल्कलाइन डाइट लेनी है। एल्कलाइन डाइट के वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप 2-3 महीने तक एल्कलाइन डाइट लेते हैं तो प्रोबेबली आपकी जो पीएच है दैट विल बी इम्प्रूव्ड और आप देखेंगे आप कंसीव कर पा रहे हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि आपका अबॉर्शन, अगर आप सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपके मल्टीपल एबॉर्शन हुए हैं, तो ये भी एक रीजन रहता है कंसीव नहीं कर पाने का। क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप थोड़े टाइम बाद यूज टू हो जाते हैं कि ठीक है अगर स्पीड ब्रेकर आएगा तो अपने आप आपका पांव जो है पैसिव माइंड से वहां पे जाएगा, ब्रेक के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से रेड लाइट आएगी तो भी आपका पांव अपने आप ब्रेक के ऊपर जाएगा। जैसे ही राइट टर्न आएगा तो आप राइट कर लेंगे, और जैसे ही अगर लेफ्ट साइड पे कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है तो आप इधर, राइट साइड पे पत्थर है तो आप लेफ्ट साइड पे कर लेंगे। तो बहुत सारी हमारी बॉडी की अपने आप एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के हिसाब से हमारी बॉडी एक्ट करती है। जैसे अगर आप 10 दिन तक सुबह 5 बजे उठिए तो 6ठे दिन अपने आप 5 बजे, 11वें दिन आपको अपने आप 5 बजे नींद खुलेगी। तो ये हमारी एक मेमोरी काम करती है। सिमिलरली अगर आपने अपनी बॉडी में बार बार एबॉर्शन इंटेंशनली कराए हैं, चाहे करियर की वजह से कराए हैं या किसी और रीजन से आपने एबॉर्शन कराए हैं, तो आपकी बॉडी फिर उसकी यूज टू हो जाती है कि ठीक है मुझे 2 महीने तक बेबी रखना है और 2 महीने के बाद मुझे बेबी को एक्सपेल करना है। तो तुरंत क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा
जब एबॉर्शन किया जाता है या अपने आप होता है, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से हॉर्मोन्स दिए जाते हैं कि आपका एबॉर्शन हो, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक सैचुरेशन होता है एबॉर्शन वाले हॉर्मोन्स का। तो आपने क्या करना है ऐसे केसेस में, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है और आपको वो हॉर्मोन्स लेने जिससे एबॉर्शन ना हो, जैसे HCG और प्रोजेस्टेरॉन, जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट ना होने दें और बेबी की ग्रोथ अच्छी होने दें। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है तो भी आपको कंसीव नहीं होता, और ऐसे केसेस में डॉक्टर्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से HCG जो है वो अगर बार बार अबॉर्शन आपके आपने कराए हैं या हुआ है तो आपको HCG की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरीके से ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि वो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते, बेबी की ग्रोथ अच्छे से करते हैं और आपको अच्छा फील होने देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हॉर्मोन्स आपके अपसेट हैं और आप ऊपर से खाना भी अपसेट ले रहे हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारा खा रहे हैं, या जो अच्छा लग रहा है वो ज्यादा खा रहे हैं और जो अच्छा नहीं लग रहा वो खा ही नहीं रहे, आप हरी सब्जियां और फ्रूट खा ही नहीं रहे और आप क्या कर रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या भूखे रह रहे हैं, तो इस केस में आपको ये हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं और आपको दिक्कत आती है। इसी तरीके से एक होता है AMH। AMH क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपकी ओवरीज में बाकी पीछे कितने अंडे हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो भगवान के घर से आप मान के चलो उसकी ओवरी में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग सेल्स होती हैं, लगभग 200 से 250 इस ओवरी में होती है, 200 से 250 इस ओवरी में होती हैं। और जब आप कंसीव करने के लिए सोचते हैं तो जैसे ही लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो एक एग सेल जो है मैच्योर होके एग बन जाती है, फिर दूसरी तीसरी, तो जो पीछे स्टॉक है वो स्टॉक क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जब वो स्टॉक कम होने लगता है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके एग्स कम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं तो आपका AMH लेवल कम आने लगता है, यानी कि जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। जब ये स्टॉक कम है तो इनसे रिलीज होने वाला हार्मोन भी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से ये जब पीछे से कम हार्मोन देते हैं तो आगे जो अंडा जा रहा है उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो AMH लेवल अगर 2 से नीचे आ गया है आपका तो आप अलर्ट हो जाइए, जल्दी से जल्दी आपने जो भी डिसीजन लेना है, आपने IUI करानी है या IVF कराना है या आपने अपने अंडे प्रिजर्व करा के रखाने हैं, तो आप इस तरफ एक्शन ले लीजिए। इसी तरीके से आप कंसीव करने से पहले देखिए क्या आपका थायराइड, BP और डायबिटिक, ये तीनों शुगर कंट्रोल में है। अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो आप देखेंगे आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और इसी तरीके से बीपी और अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो इन तीनों के अनकंट्रोल होने से आपके ये जो हॉर्मोन्स हैं ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ये इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप कंसीव नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि शुगर का क्या रिलेशन है इनसे, शुगर का भी है, बीपी का भी है और आपके थायराइड का भी है। तो हार्मोनल लेवल आपने अपना क्या करना है, चेक कराना है कि ये सही है या नहीं। पता चले आपने 6 महीने तक तो कुछ किया ही नहीं, तो 6 महीने तो आपने ऐसे ही खराब कर दिए, फिर आपने धीरे धीरे सोचना शुरू किया या कंसल्ट करना शुरू किया और प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली तो आपके 6 महीने और खराब चले गए। इस दौरान आपने 12 अंडे अपने खराब कर दिए और एक टेंशन का माहौल घर में बना दिया, तो ऐसा ना करें। इसी तरीके से आप अपनी एज को बिल्कुल ध्यान रखें, अगर 30 से अबव एज है तो मैक्सिमम 6 मंथ आप नेचुरल वे पे ट्राई करें और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं कि आप 3 साल 4 साल तक सिर्फ अपने आप कर रहे हैं या किसी बस ABCD से पूछ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एक मैं और आपको अलर्ट करना चाहती हूं कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी शादी यंग एज में हो गई थी, 20 साल में, 18 साल में, 22 साल में, उनको ये हार्मोनल इश्यूज नहीं आए थे, तो वो आपको कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, आप चलते फिरते रहो, आप काम करते रहो। नहीं, आप उस एज में नहीं है, आपकी एज अलग है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इम्पोर्टेंस दें, ना कि ABCD जो आपके
चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं जो कि उनके लिए सही था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस आपके ऊपर भी सही हो। तो आप अपनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आप बड़ी एज में प्रेगनेंसी को प्लान करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।